नमस्कार मित्रों, आज ऑफबीट चैनल के ऑफबीट कार्यक्रम हमेशा आपको एक ऐसे लोगों से तारुफ कराता रहता है जो एक भीड़ में एक अलग शख्सियत है, और आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो बिहार के मुंगेर जिला से जमालपुर के रहने वाले श्री डॉक्टर राकेश आज हमारे बीच हैं। डॉक्टर राकेश पेशे से शिक्षक हैं और इन्होंने एलएन मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में पीएचडी किया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके पिता श्री वैजनाथ शाह खुद भी एक संगीत मर्मज्ञ हैं। संगीत इन्हें विरासत में मिला है, और आज आइए हम इनसे तारुफ कराते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार, नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, आज आप मुझे विस्तार से बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली जी। आप हमें विस्तार से बताएं। एक्चुअल में संगीत वो हमें विरासत में मिली है, हमारे माता पिता से मिली है, और हमारा जो शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक जो हमारा जमालपुर से ही हुई है, और हमारे स्वर्गीय अनिलाल मंडल जी जो प्रारंभिक हमारे गुरु रहे हैं, जो संगीत के गुरु, और उनके भी गुरु दादा गुरु के रूप में हम लोग एक रिलेशन बनता है जो उनके गुरु हैं रहे हैं, उनसे ही मैंने तालीम लिया हूँ। और पंडित राजाराम शुक्ल जो मुंबई के रहने वाले, ऐसे जौनपुर जिला के रहने वाले, सुल्तानपुर जिला के रहने वाले थे, वो भी नहीं रहे, तो उनसे भी हमें शिक्षा दीक्षा मिला। और संगीत का सफ़र यूं ही हमारा प्रारंभ होता गया। धीरे 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 मैं बनारस की ओर रुख किया। पंडित अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र जो बड़े भाई हैं, उनसे हमें कुछ शिक्षा मिला, कुछ दिन तक उनके पास भी रहा, उस समय भी मैंने नहीं रुका। फिर मैं आगे बढ़ता गया और मैं इलाहाबाद की ओर अग्रसर कर गए, जो वहाँ पे दो हमें उस्ताद मिले, एक जो पंडित रामानंद श्रीवास्तव जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, उनसे हमें संगीत की शिक्षा मिली है, और एक और अच्छे उस्ताद रहे हैं, वो उनसे भी हम मुझे संगीत की जो है क्लासिकल के रूप में जो उनसे मैं मिला है। अभी वर्तमान में आप बिहार सरकार में कहीं शिक्षक हैं जी? हाँ। तो आप ये संगीत की साधना करते करते कैसे आप जो है आपको ये जॉब मिला, और आप कैसे बड़ा रोमांचक है ये इस लाइन में जब मैंने आया था तो पिताजी हमें कहा करते थे, गौ समाज में अभी भी ये प्रचलन है कि संगीत को हे दृष्टि से देखा जाता था, हमारे समाज में अभी भी है। लेकिन एक मैंने चैलेंज लिया, क्योंकि मैं बचपन से ही हमारा संगीत में रुचि रहा है। जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो मैं पिताजी से कहा था कि पिताजी पूछे थे हमसे कि आप क्या करना चाहते हो, तो हमने कहा कि पिताजी सो मैं संगीत करना चाहता हूँ। बोले नहीं, संगीत से ऐसा कोई करियर वगैरह नहीं है, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने संगीत लाइन में आए हुए थे और वह कष्ट क्या होता है उन्होंने महसूस किया था, और वो हमारे साथ शेयर करना, मतलब ये चाह रहे थे कि हमारा लड़का जो इससे ये नहीं हो पाए, वो संघर्ष न करे, वो जो है और वो अच्छा तकलीफ ना झेले, अच्छे जॉब में। तो इस तरह से जो रहा है, और हमने उनको चैलेंज के रूप में लिया। जब शुरुआती लेवल पे जब मैंने प्रारंभ किया था तो मैं अपने घर में संगीत से सभी लोग दूर थे, मैं दूसरे के गांव में एक हमारे मित्र थे उनके डेरे पर जाकर के मैं रियाज करता, छुप छुप के जो है पिताजी से जो किया करते थे। 96 में जो है इसी तरह से, चूंकि रेलवे में हमारे पिताजी रहे सीनियर लोको इंस्पेक्टर के पद पर रहे हैं, अच्छा, तो जैसे ITC है या रेलवे है तो ये बड़े बड़ी जो ये जो उद्योग है ये जो ये है तो एक कल्चरल एक्टिविटी कार्यक्रम कराते रहते थे। हाँ, तो इसमें इंटर डिविजनल कंपटीशन जो है निकाला गया था, जिसमें हमने जो है चुपके से, जो पिताजी को भी पता नहीं था, घर में किसी को नहीं पता था, और मैंने जो है उस फॉर्म को भर दिया, और भर देने के बाद उनका शुरुआत जो हमारा जमालपुर में NI नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे संगीत का एक कंपटीशन हुआ था। अच्छा। तो मैंने उस कंपटीशन में भाग भी लिया, बहुत अच्छा लगा, मैंने वहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर उसके बाद वहाँ से कोलकाता में गया, मालदा गया, तो मालदा में भी चूंकि बंगाल तो पूरी संगीत का गढ़ रहा है, बिल्कुल, तो चूंकि उस अवस्था में अपने गुरु के सानिध्य में हम चले गए थे और मैं ले रहा था,
लेकिन ये पिताजी को पता नहीं था कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा, वो संगीत मर्मज्ञ थे, उसके बावजूद भी आप उनसे छुप करके ये शिक्षा। माँ हमारी संगीत से थोड़ी रह चुके, हमारे मामा जी भी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। अच्छा। तो उनको भी विरासत मिला, तो माँ थोड़ा सा हमारे सॉफ्ट कॉर्नर में हमारे रही, सपोर्ट में रही। जी जी, तो फिर जो है उसी तरह से चलता रहा। मैं वेस्ट बंगाल में भी मैंने प्रथम स्थान आया, और जब प्रथम स्थान आने के फाइनल संयोग क्या हुआ कि हमारे जबालपुर में ही, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे का जो जितनी कार्यक्रम होती है वो हर जोन में बटा हुआ है। आज मान लीजिए जब मालदा में होगा तो हेडक्वार्टर में होगा, उस कचरापाड़ा में होगा, या लिलुआ में होगा, या हो सकता है जबालपुर। तो उस समय संयोग ऐसा था कि वो पूरा ईस्टर्न रेलवे उठ करके जबालपुर में हो गया था। अच्छा। तो जमालपुर में फाइनली एग्जाम, मतलब ये कंपटीशन में हमने आया था, और आने के बाद पूरी जमालपुर शहर के तमाम जितने विद्वान कलाकार थे, गुरु थे, वो सभी लोग आए हुए थे, जज में थे वो लोग थे, और वेस्ट बंगाल के भी कलाकार थे। तो उसमें मैंने जो है भाग लिया था। और आपके पिता को जब ये सब पता चला होगा, बात उनकी कैसी प्रतिक्रिया? जब मैंने वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस किया, पूरा हॉल खचाखच भरा, मैंने क्लासिकल विथ सेमी क्लासिकल दोनों मैंने लिया था। अच्छा। तो पिताजी को बहुत खुशी हुई, उसमें प्रथम स्थान दोनों मैंने प्राप्त किया। और सबसे पहले जो है पिताजी घर गए, और घर चूंकि भाई लोग भी आए हुए थे, बैक से सबसे पीछे में बैठे हुए थे पिताजी, चूंकि ऑफिसर है, डर तो थोड़ा रहता है कि ऑफिसर कहीं कुछ ये न कर बैठे। तो घर गए, घर के जाने के बाद माँ को बताएं पिताजी कि हम नहीं जानते थे कि मेरा बच्चा जो है इतना बढ़िया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, टैलेंटेड। और उसके बाद में मैंने जो है वो अपनी मेहनत से, मतलब उनका जो मेरे प्रति जो इस तरह से ये था, और वो झुकाव संगीत के प्रति हमारे इधर हो गया कि बेटा तुम अगर इस लाइन में आए हो तो तुमको इसे करना है। और मैंने जो है एक चैलेंज के रूप में लिया कि संगीत से भी मैं अपनी करियर को बना सकता हूँ, मैं सर्विस ले सकता हूं, मैं उन समाज को दिखाना चाहता हूं कि आप संगीत को हे दृष्टि से देखते हैं, या संगीत भी जीवन में आपका एक करियर बना सकता है। और मैंने उस चैलेंज को लेकर के मैंने दिखा भी दिया, और आज समाज का लोग भी पूरी सम्मान के साथ कहते कि नहीं, राकेश जी जो किए बोले थे उन्होंने वादा को पूरा किया। और आज वो संगीत के क्षेत्र से समाज का भी लोग जानता है कि संगीत से हम करियर बना सकते हैं। राकेश जी, सुना है आप आकाशवाणी से भी जुड़े हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं आकाशवाणी से भी आई आर्टिस्ट हूँ, और बकायदा हम 10 साल से मैं वहाँ गा रहा हूँ। पटना आकाशवाणी या फिर भागलपुर? भागलपुर, हमारा रेंज भागलपुर, भागलपुर आता है। अच्छा अच्छा, तो हम चाहते हैं कि आज हमारे दर्शकों को कुछ क्लासिकल बेस्ड कार्यक्रम, कुछ सॉन्ग क्लास जो क्लासिकल बेस्ड हो उसे सुनाएं। मैंने एक भजन कंपोजिशन किया था, ये मीराबाई की भजन है। भजन का बोल है, चरण परत विनती करत मानव अब कन्हाई श्याम। तो मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये रचना किन की है? ये रामानाथ, ये मीराबाई की रचना है। मीराबाई की, जी हाँ, मीराबाई की रचना है। तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी जी, चरण परत विनती करत, चरण परत विनती करत, मानो अब कन्हाई श्याम, मानो अब कन्हाई श्याम, बाट तकत नैन थकत, बाट तकत नैन थकत, रूठे क्यों कन्हाई श्याम, रूठे क्यों कन्हाई श्याम, चरण परत विनती करत। राकेश जी, सुना है आप जो है बहुत अच्छा गजल भी गाते हैं, तो हमारे दर्शकों को गजल से भी जो है ये कराए? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ, क्योंकि इस लाइन में हूँ, लोगों की डिमांड रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ। दरअसल
हाँ, एक गजल है, रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए। ये रचना किसकी है? ये मैथिसन साहब गाए हैं। मैं कोशिश किया हूँ आज उनको ये गाने का। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही